प्रिकल से हार का स्वाद चखने के बाद बाकी गहरी सोच में डूबा है। वो अपने फादर की नकल करता है कि उसके फादर ये खबर जानकर ये कहेंगे कि बाकी की धुलाई तो होनी ही थी, क्योंकि वो बिना लड़ाई की तैयारी करे उससे मिलने गया, ये सोचे बिना कि जब वो उससे मिलेगा तो क्या करेगा। भले ही वो मेरा बेटा हो पर मैं उसकी तैयारी की कमी से निराश हूँ। दूसरी तरफ टोकीगावा युजीरो को ये समझाने की कोशिश करता है कि बाकी ने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी, जिस पर युजीरो भड़कते हुए ये कहता है, टोकीगावा की अकल उम्र के साथ कम हो गई है। अपना बेस्ट देना, जान लगाना, पूरी कोशिश करना, ये सब बहाने लूजर लोगों के होते हैं। इन शब्दों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसने अपनी सारी लाइफ ये बहाने सुने हैं, जिनसे युजीरो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका है। युजीरो टोकीगावा को धमकी देता है, अगर उसने फिर कभी ऐसे लूजर की उसके सामने तारीफ करी तो वो अपनी बची कुची जिंदगी भी गवा देगा। बाकी की रातों की नींद उड़ चुकी है और उसे पूरा भरोसा है उसके फादर इस समय उसे एक लूजर कह रहे होंगे। पिकल के एक एक से ही बाकी को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया है और जिस लेवल तक बाकी पहुंचना चाहता है वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन पिकल की मदद से वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकता है। वही शिनशिन का एक कराटे स्कूल में रेत्सु कात्सुमी को बताता है, उसके सिर्फ मैक पंच मूव ने ही उसे आज तक चौंकाया है। इस मूव की ताकत पैरों की उंगलियों में पैदा होती है। इस ताकत को एंकल ऊपर पुश करते हुए घुटनों की तरफ पहुंचाते हैं। घुटनों से ये ताकत हिप्स और वहां से रीढ़ की हड्डी से होते हुए कंधों तक, फिर कोहनी, कलाइयों से होते हुए आखिरकार मुट्ठी तक पहुंचती है। और रेत्सु ने देखा था, कात्सुमी ने हानियामा के खिलाफ इस मूव का यूज किया था। रेत्सु बताता है उसने इस मूव को कई बार प्रैक्टिस किया है पर कभी किसी के खिलाफ उसने यूज नहीं किया। कुंफू के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो इस मूव का असली मास्टर बन पाया है, और रेत्सु चाहता है कात्सुमी भी इस मूव का मास्टर बने और इसकी मदद से पिकल को हराए। दूसरी तरफ प्रोफेसर पेन बताता है उन्होंने क्लोरोफॉर्म के 140 डजन बैरल का यूज एरिना में किया है ताकि पिकल यहाँ से बाहर ना जा सके। कैप्टन को इस बात के लिए बुरा फील होता है कि पिकल आखिर एक इंसान है और उसके अंदर भी फीलिंग है, लेकिन फिर भी उसे गिनी पिग की तरह यूज किया जा रहा है। टोकीगावा बताता है पिकल अगर भागना चाहता तो भाग सकता था, पर वो अपनी मर्जी से यहाँ रुका हुआ है क्योंकि उसे समझ आ गया है यहाँ उसे भरपूर खाना और लड़ने के लिए अपोनेंट मिलते रहेंगे। टोकीगावा को पूरा भरोसा है कि पिकल नींद से जागने के बाद भी यहाँ से नहीं भागेगा। तभी अचानक पिकल अपनी नींद से उड़ जाता है। टोकीगावा चिल्लाते हुए पिकल को कहता है उसके लिए खाना जल्द आ जाएगा और अगर वो कुछ देर और सोना चाहे तो सो सकता है। अब सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि पिकल वापस सो गया है। दूसरी तरफ बाकी पिकल को हराने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और वहीं कात्सुमी रेत्सु को ये बता रहा है कि बुलेट और जेट प्लेन के चलने पर जो शॉक वेव पैदा होती है ऐसी ही वेव मैक्स स्पीड के चलने पर दिखती है। सिर्फ बुलेट और जेट प्लेन ही ऐसी सुपरसोनिक स्पीड से गुजर सकते हैं। कात्सुमी आगे बताता है एक इंसान ऐसी सुपरसोनिक स्पीड से चाबुक की मदद से हासिल कर सकता है। टोस्ट से लेके फिश तक 10 जॉइंट का सही यूज करने पर मैक्स स्पीड को सरपास किया जा सकता है, लेकिन मैक्स स्पीड की रफ्तार 1207 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी हर जॉइंट्स को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्विस्ट होना चाहिए, इसलिए कात्सुमी को यह असंभव लगता है। रेत्सु बताता है बैकबोन की मदद से इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी में 31 जॉइंट होते हैं और उनमें से 17 जॉइंट्स एक साथ तेजी से ट्विस्ट होते हैं, यानी टोटल 27 जॉइंट्स की मदद से मैक्स स्पीड को सरपास कर सकते हैं। कात्सुमी इस मूव को घातक बनाने के लिए इसमें स्पीड के साथ वजन भी जोड़ने का सुझाव देता है। वो बताता है इंसान की बॉडी का सबसे भारी हिस्सा सर होता है और इसके भार को हाथों के साथ मिलाकर कराटे का परफेक्ट मूव पियर्सिंग न्यूकेट को हासिल किया जा सकता है। आज से कई साल पहले एक जापानीज फाइटर चाइना गया था और वहाँ उसने कई मार्शल आर्टिस्ट से लड़ाई लड़ी पर आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया, और वो आदमी असल में डोपो ओरोचि था। डोपो ने वहाँ से लौटते हुए एक सर्कस से एक बच्चे को खरीदा जो कि उससे भी ज्यादा अच्छे मूव जानता था, और वो बच्चा और कोई नहीं कात्सुमी ओरोचि है। तभी अचानक वहाँ काकू आ जाता है जो कि 146 साल का बेहतरीन कुंफू मास्टर है। वो बताता है जिस मूव की वो बात कर रहे हैं वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। काकू ने अब एक सुपरसोनिक स्पीड का डेमो दिखाता है कि असल में एक परफेक्ट मूव होता गया है। वो बताता है कि उन्हें 27 जॉइंट्स के इस्तेमाल को भूलना होगा और सिर्फ अपने हाथ और कंधे पर ध्यान देना होगा। कात्सुमी के ये जानकर होश उड़ जाते हैं कि काकू ने अपने हाथ को सिर्फ इमेजिनेशन से सुपरसोनिक स्पीड में बदल डाला। अब कात्सुमी अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है और लगातार इमेजिनेशन का अभ्यास करता है। डोपो काकू का शुक्रिया करता है कि वो उसके बेवकूफ बेटे की मदद करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। काकू बताता है वो उसके सिखाए गए नए पंच को पूरी तरह सीख गया है और शायद अब वो उसे भी हरा सकता है। कात्सुमी अब पूरी तरह तैयार हो चुका है और अपनी इमेजिनेशन से वो अपनी पूरी बॉडी को रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल देता है। ये नई ताकत उसे एक अलग एहसास कराती है। वो उस पंच की ताकत को पूरी तरह रिलीज करता है जिससे पूरी बिल्डिंग कांप उठती है। इस ताकत को बाकी भी दूर से महसूस कर लेता है। रूमिना बाकी से सवाल करता है आज वो किससे लड़ने वाला है, जिसके जवाब में बाकी कहता है उसका अपोनेंट यहाँ जल्दी आ जाएगा। कैप्टन भी बाकी के अपोनेंट को देखने के लिए उत्सुक है। रूमिना समझ जाता है कि वो अपने अपोनेंट को इमेजिन करेगा। दूसरी
दूसरी तरफ कात्सुमी टोकीगावा से अनुरोध करता है कि वो पिकल का खाना बनना चाहता है। टोकीगावा दो शर्तों में उसकी बात मान लेता है कि उसे सुबह 6 बजे मैच के लिए आना होगा और लड़ाई अंडरग्राउंड एरिना में नहीं बल्कि बास्केटबॉल स्टेडियम में होगी। कात्सुमी अब स्टेडियम में पहुंचकर हैरान हो जाता है कि 55,000 लोग इतनी सुबह उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं क्योंकि उनका लीडर आज बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है। अब लड़ाई शुरू होती है और पिकल कात्सुमी पे हमला करने के लिए दौड़ता है। कात्सुमी एक ही बार में उसके 5 अलग अलग हिस्सों में मारकर उसे दूर फेंक देता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कात्सुमी अब कई गुना ताकतवर हो गया है और पिकल की धुलाई कर रहा है। पिकल अब मुस्कुराने लगता है और भागते हुए कात्सुमी को एक जोरदार किक मारता है। कात्सुमी की बॉडी पूरी तरह हिल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ट्रक ने उसे टक्कर मारी हो। पिकल अब कात्सुमी को खाने की नजर से देखता है और उसका शिकार करने के लिए अपना पोज बनाता है। ये पोज देखकर बाकी को याद आता है उसके फादर भी इसी पोज का यूज करते हैं। कात्सुमी अब उसके बेहद करीब आकर उस पे जोरदार वार करता है और इस दर्द को झेल पिकल को वो दिन याद आता है जब डीरेक्स ने अपनी टेल से उस पर वार किया था। सब ये देख के चौंक जाते हैं। पिकल अपने घुटनों में बैठ चुका है। पिकल ने अपनी 190 मिलियन साल की जिंदगी में पहली बार इतना खौफनाक दर्द महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे टीरेक्स की पूंछ सीधा उसके पेट में जा लगी हो। कात्सुमी को पता था मैक्स स्पीड पंच से पिकल जैसा राक्षस भी ढेर हो सकता है पर इसका सेम नुकसान इसके यूजर को भी होता है। अब पता चलता है कात्सुमी के हाथ से खून बह रहा है। पिकल दोबारा कात्सुमी पे हमला करने की कोशिश करता है पर कात्सुमी एक बार फिर उसे मैक्स स्पीड पंच से ढेर कर डालता है। कात्सुमी के शरीर से अब खून बहने लगता है। ये देख प्रोफेसर पेन बताता है ये खून उसकी बॉडी द्वारा साउंड बैरियर को तोड़ने की वजह से आया है। जब कोई जेट तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा का रेसिस्टेंस भी उतनी तेजी से बढ़ता है और जब जेट की रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे को पार करती है तो ये साउंड बैरियर को तोड़ डालती है और उससे बना प्रेशर ऑब्जेक्ट को तोड़ डालता है। प्रोफेसर पेन बताता है उन्होंने ऐसे कई केस देखे हैं जिनमें भारी से भारी मेटल से बने पेन भी इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और ये सेम चीज कात्सुमी के साथ हुई है। उसके साउंड बैरियर को तोड़ते ही वो ये प्रेशर झेल नहीं पाया। पिकल एक बार फिर हंसते हुए खड़ा हो जाता है। ये देख कात्सुमी अपने नए मूव को यूज करने का फैसला करता है। वो अपने हाथ को चाबुक में बदल कर पिकल पे एक करारा वार करता है जिससे पिकल हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहां सबके होश उड़ जाते हैं कि इस मूव के कारण कात्सुमी के हाथ का मांस पूरी तरह निकल चुका है और उसकी हड्डियां दिख रही हैं। काकू ये देख के खुश हो जाता है कि इस नौजवान ने कुंफू को 50 साल और आगे पहुंचा दिया है। कात्सुमी की ऐसी काबिलियत देख वहां सभी उसके लिए जोरों से चीयर करते हैं। अब पता चलता है पिकल वहां सो रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं। प्रोफेसर पेन बताता है कात्सुमी ने अपने आप को काफी नुकसान पहुंचा दिया है और अगर जंगल के नियम के अनुसार देखा जाए तो पिकल अपने घायल अपोनेंट की सांसें रुकने का इंतजार कर रहा है। कात्सुमी समझ जाता है पिकल उसको खाने वाला है और वो तुरंत ही उसके पैर में झपट जाता है। कात्सुमी का इतना खून बहने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है। पिकल उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देख टोकीगावा इशारा करके उस पे बंदूक तनवाता है लेकिन डोबो से ये कहकर रोक देता है कि उसका बेटा अपना वादा पूरा करेगा। अब पिकल अपने शिकार के लिए पे करने लगता है क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसके अंदर भी दया भावना है। बिना उसकी भाषा समझे वो समझ गया कि उसने जी तोड़ मेहनत कर अपने छोटे से शरीर को सींग पंजे और नोकीले दांत जितना ताकतवर बनाया है और इस ताकत के लिए उसने अपने शरीर के साथ साथ बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है और ये अचीवमेंट एक आदमी के लिए अमूल्य है। पिकल उसे बिना खाए वहां से लौट जाता है। सारे मेंबर्स अपने लीडर के आगे झुक उसके लिए सम्मान अदा करते हैं। वहीं डोबो को अपने बेटे पे गर्व होता है कि वो अपने आप को साबित कर चुका है। अब हॉस्पिटल में रेत्सु कात्सुमी से मिलकर ये बताता है कि उसने लड़ाई में पिकल को कांटे की टक्कर दी है जिस वजह से वो जेलस महसूस कर रहा है। अब बाकी भी वहां पहुंच जाता है और कात्सुमी उसे उसका अधूरा काम पूरा करने की बात कहता है। दूसरी तरफ यूजीरो सड़क पे चल रहा था जहां सारे लोग उसे रुक रुक कर देख रहे थे। उसकी मौजूदगी से वहां सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते में डोबो उसका रास्ता रोकता है और उससे कुछ बात करने के लिए उसे एक बार में ले जाता है। डोबो बताता है यूजीरो द्वारा उस दिन अपमान करने पर कात्सुमी के अंदर बदलाव आना शुरू हुआ और वो उसका शुक्रगुजार है। यूजीरो बताता है कि बनने को तो एक बिल्ला भी शेर बन सकता है पर जो बदलाव उसने डोबो के बिगड़े हुए बेटे के अंदर देखा है शायद ही किसी और के अंदर उसने देखा हो। पर डोबो ने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। डोबो समझ जाता है कि उसकी असल में गलती क्या है। वो उमर के साथ काफी नरम हो गया है। यूजीरो से पूछता है उसने ये गलती आखिर कर कैसे दी जिसके जवाब में डोबो बताता है अपने बेटे की काबिलियत और तरक्की देख वो अपने बाप होने का कर्तव्य भूल गया। एक बाप को अपने बेटे से कभी नरमी से पेश नहीं आना चाहिए और यही चीज मार्शल आर्ट्स भी सिखाती है। डोबो ने कई लोगों को ये सीख दी है पर जब बात अपने बेटे पे आई तो वो नरम हो गया। दूसरी तरफ बाकी अपनी इमेजिनेशन से पिकल को सामने लाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। तब भी रेत्सू वहां आता है और बाकी उससे पूछता है कि पिकल कितना ताकतवर है जिसके जवाब में रेत्सू बताता है उससे लड़ने के बाद भी वो उसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया है। ये सुनकर बाकी के लड़ने की तड़प
और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फैसला करता है कि कल सुबह वो पिकल का किस्सा खत्म कर देगा। ये बातें सुन रेत्सु को बाकी के अंदर उसके फादर युजिरो हानमा दिखाई देते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे खुद ओगर से बात कर रहा है। वहीं जैक हानमा भी पिकल को चुनौती देने पहुंच गया है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।